मेरे साथ डॉक्टर एसपी बायोत्रा भी जुड़ चुके हैं, चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली। सर आपका भी बहुत स्वागत है और थोड़ी देर में वो हमारी स्क्रीन पर भी होंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन अश्विनी जल्दी से एक जानकारी दीजिए। अश्विनी क्या ये माने कि जिस आत्मनिर्भर भारत की बात यहाँ पर कर रहे थे सचिन थोड़ी देर पहले, आत्मनिर्भर भारत तो वैक्सीन के मामले में बहुत पहले से, अब तो दुनिया भारत पर निर्भर होगी इस वैक्सीन के बन जाने के तुरंत बाद। जी बिल्कुल, देखिए आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करें वैक्सीन के मामले में तो हम बहुत पहले से ही आत्मनिर्भर हैं। आपने बात बिल्कुल सही की, जैसा मैंने पहले ही बताया कि पूरी दुनिया में जितने भी वैक्सीन के डोजेज, चाहे अलग अलग BCG हो या फिर तमाम जो वैक्सीन जाते हैं उसके तमाम जो सप्लाई है वो भारत से की जाती है। तो देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग भारत पर निर्भर हैं, हम वैक्सीन के मामले में खुद आत्मनिर्भर हैं और विदेशी भी हम पर निर्भर हैं, ये हम जरूर कह सकते हैं। और कोरोना की जो वैक्सीन है आने के बाद, जाहिर सी बात है वैक्सीन के मामले में भारत का लोहा बिल्कुल लोग मानेंगे और जिस तरह से हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं आने वाले दिनों में उसका अच्छा नतीजा आएगा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री हौसला अफजाई करने के लिए वैज्ञानिकों की खुद तीन जो है भारत की कंपनियों में जहां पर वैक्सीन बनाया जा रहा है वहां जा रहे हैं और अब थोड़े देर में अगले कुछ मिनटों में जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री पहुँचेंगे और जिस तरह से उन्होंने जाइडस और भारत बायोटेक में जाकर तमाम चीज़ों का जायजा लिया, वो तमाम चीज़ों की जानकारी। रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।